क्या आपकी तुक्की मुक्की? ये पुलिस स्टेशन का रास्ता यहाँ से दरवाजा, ये कहीं से भी आ जाती हो क्या? समझते नहीं बात को, आ जाती है रात को, जाने को होता है जिंदगी के साथ या जाने के मन किसी के जाने के बाद में करे फिर उसकी याद छोटी छोटी बात में जा रहे क्यों? जानना पहचान, तू मेरा मेहमान, तू मेरी माधुरी, मैं तेरा सलमान। बात करती हो चैटर में। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो कपाट के पीछे? डीजे, डीजे बने हुए हो? काम नहीं है, चला चला। महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। ओके थैंक यू, बाय बाय, चला। चैटर मैंने घाघरा, मैं तुमसे एक बात कहने आई थी कि तेरी पहले ससुर गुम हो गया था इसलिए आई थी, फिर पता नहीं तुम्हारे मोहल्ले के लड़कों ने क्यों तुम्हें छेड़ा इसलिए आई, अब ये खुद छेड़ रहे हैं इसलिए आई। बताओ यहाँ पर क्यों आती हो तुम बार बार? जवाब दो। I want to know. Tell me. बोल रही हूँ ना, बोल रही हूँ। बोलो फिर। मैं बोल बोल। बस बस हो गया। बार बार हमारी जिंदगी के बीच में आके हमसे पूछ रही है कि हम इनके है कौन। बहुत हो गया, घुट घुट के जीना बहुत हो गया, ये मर मर के जीना, ये सिसक सिसक के जीना। अरे आगे आप, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप इनके है कौन? मैं? हाँ मैं। बोलो मैं क्या? मैं जवाब चाहिए हमें, क्या मैं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप कुछ नहीं कहेंगी। अरे हटिए आप, देखा है अपने आप को कभी? हाँ, कहा आप और कहा हम? अरे हम है संगे मरमर सा तराशा हुआ ताजमहल, और आप है नवाब साहब की पुरानी हवेली, हम है चांदनी चौक की जलेबी, और आप नाला सोपारा की दाबेली। ए चाल हाँ। आ जाओ आ जाओ। बहुत सुन लिया तेरा। पार्टी की जूनियर टंकी, 70 के जमाने की घटिया नौटंकी, एक्सपायरी सेंट, गाड़ी में पड़ा टेंट, आर्मी का टेंट, और बोलू के समझ गई? दिमाग मत खराब करना, समझी ना? अगर एक शब्द भी इसके आगे बोला ना तो देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करेंगी आप, क्या कर लेंगी आप? मैं अब बोल गेंडी, अब बोल, अब पूछ मुझसे क्या करूंगी? मैं तो बस जा ही रही थी। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, आदाब। चलिए हटिए, चलिए चलिए। दरवाजा, ये दरवाजा, ये भी। और अब तुम क्या? तुम्हें इस वक्त कहाँ होना चाहिए था? मुझे कहाँ होना चाहिए था? मुझे आदि भानु के घर में होना चाहिए था। और ओ क्या मान, वेणुगोपाल जो है उनके समर्थकों की प्रोडक्शन की देखरेख करना चाहिए थी मुझे। फिर जाना चाहिए उधर, समझो कि मैं गया, निकल गया यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। अरे यहाँ से कहाँ वहाँ से, सब लोग खिड़की में से क्यों जा रहे हैं? क्या खिड़की में? बस मैं तो आपको टाटा बोलने आई थी पुरानी हवेली। जब तेरी तो भाग्या से पुरानी हवेली। सर सर क्यों? आप टेंशन में लग रहे हैं सर। सर मैंने कहा ना आपसे, जस्ट प्लीज रिलैक्स सर, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये पुलिस क्वार्टर है सर, यहाँ आप और आपके सभी समर्थक एकदम सुरक्षित हैं, मेरी बात पे यकीन कीजिए। आई नो आई अंडरस्टैंड यहाँ कोई डेंजर नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी डाउट होता है कि इनमें से ही अगर किसी ने किसी को खरीदने की कोशिश की तो इनमें से कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा सर? आप तो कह रहे हैं ना कि ये सारे लोग आपके अपने। हाँ बट यू नेवर नो। सही कह रहे हैं आप, यू नेवर नो। अगर अपनों ने धोखा दिया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक सर, सर क्या हो गया सर? ये इंसान चिंगारियां क्यों छोड़ रहा है? भड़क गया, भड़क गया। आपने इस पर शक किया ना, ये भड़क गया।
हाँ तो भड़क गया तो बोल देता कि मैं भड़क गया हूँ, तो मैं चुप हो जाता, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो म्यूट बटन दबा हुआ है इसका। आपको मतलब बोल नहीं सकते? आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। सुंदरी प्यार से, अरे लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक नहीं, खाना रखा है ना, खाना खाइए। बेबी खाओ ना। चोजा मुन्ना चोजा राजकुमार, चोजा छोटा भीम। अयो आप, अयो कितना टाइम लगाता है, अयो बाहर आना, जल्दी करो, अरे निकलना। भाई किधर आप करो ना, निकल एवडा, जल्दी निकलना जरा। हाँ हाँ, एक्चुअली यहाँ नहीं, इधर हो, यहाँ नहीं बात कर सकते, यहाँ यहाँ हो ना, वहाँ नहीं बात कर सकते। चमकू, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जरूर चमकू को आई लव यू बोलने वाला है। कही है ना? मैं ना एक्चुअली हम ना मैं ये कहना चाहता था कि मैं सुन रही हूँ, आगे तो बोलिए। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि अरे अरे क्या बोल, क्या कह रहा था बोल। चमकू मैं बोलना, चमकू को क्या कह रहा था? तू कहाँ से टपक पड़ा? मैं यहाँ से टपक पड़ा, बोल क्या क्या बोलना है। मैं तेरे सामने कहूं तो कौन सा उधार मांगने वाला है यार, मेरे सामने क्यों नहीं बोल सकता, बोलना। बावला हो गया क्या, मतलब तेरे सामने नहीं बोल सकता मैं? क्यों नहीं बोल सकता यार, दोस्त तू है, दोस्त है, क्यों सामने नहीं बोल सकता, ऐसी क्या बात है, बोल दे बोल। एक्चुअली क्या है, जब बात सही समय पे की जाती है तभी बात की वैल्यू होती है, किसी भी समय पर बात कर दी जाए तो बात खराब भी हो सकती है। अरे मेरी पैंट खराब हो सकती है यार, तू मुद्दे पे आना। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, कितनी क्या जल्दी है। चमकू कहाँ निकली जा रही है? हाँ पर मेरी निकली जा रही है। तू बोल ना यार, बोल ना, क्या क्या बोलना है बोल दे। ठीक है अगर बात ऐसी है तो मैं बोल देता हूँ। अब तेरा नंबर है, अब जा। हाँ अरे हाँ, मेरा नंबर आ गया। हाँ बोल बोल, क्या 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 कह रहा है, क्या कह रहा है चमकू से? मैं कहना चाह रहा था कि अच्छा ठीक है, बात अगर हो गई तो मेरी बात तू ध्यान से सुन। हाँ बोलना। मैं चमकू से बस इतना कहना चाह रहा था कि हमें हमें क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कमिश्नर सर ने, कि हमें और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। हाँ तो बस। हाँ तो इसमें क्या बात है, ये तो पता है ना यार कि चौकन्ना रहना पड़ेगा, जिम्मेदारी सौंपी है, तो इसमें ये क्या बात है यार, ये कोई बताने वाली बात है? तू यार फालतू में टाइम वेस्ट मत किया करे। अरे नहीं, ए ए रुको, ए ए नहीं, अभी मेरा नंबर है। अरे मुझे ये क्या बात बताई तूने यार, ये कोई बताने वाली बात है क्या, फालतू की बात। ए ए निकलो, ए ऐसा नहीं है। तो ध्यान से सुनो, पुलिस फोर्स गेट पर सारे मेल समर्थकों के साथ डीआईजी है, और सारी फीमेल समर्थक बेडरूम में सोएंगे, और उस बेडरूम के बाहर पहरा देगा तू। और तू? मैं यहां बाहर हॉल के मेन गेट के पास। ओके गुड, चलो चमकू। क्या चलो चमकू? अरे चमकू मेरे साथ रहेगी ना, इसलिए कहा चलो चमकू। नहीं नहीं नहीं, चमकू तेरे साथ नहीं, चमकू मेरे साथ रहेगी यहाँ हॉल के गेट के पास। क्यों?
तेरे साथ चंपू हॉल में क्यों रहेगी, मेरे साथ बेडरूम के बाहर क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि मामू ने ऐसा कहा है। ठीक है, अगर मामू ने कहा है कि तुम हॉल में रहोगी तो मैं चंपू के साथ हॉल में पहरा दूंगा और तू बेडरूम के बाहर पहरा दे। चलो चंपू। क्या चलो चंपू की रट लगा रखी है क्या ये? चलो चंपू। देख हॉल में ना ऐसे आदमी की जरूरत है जो इमरजेंसी के टाइम पर क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर सके, और ऐसा आदमी है तू। कोई शक, कमिश्नर सर को भी ऐसा ही लगता है। तेरे कहने का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने की मैं काबिलियत नहीं रखता। तू मेरे से ज्यादा होशियार है, मेरे से ज्यादा काबिल है, मेरे से ज्यादा जाबाज है, मेरे से ज्यादा बलवान है, मेरे से ज्यादा बड़ा एक्शन हीरो है तू। मानव, बात को चुंगम की तरह चबाकर लंबा मत कर, जो कहना उतना सुन। यही होगा, तू बेडरूम के बाहर पहरा देगा और मैं चंपू के साथ यहाँ हॉल के मेन गेट के पास, और यही कमिश्नर सर का ऑर्डर है। और हमारी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी क्या है हमारी? कमिश्नर सर की बातों का पालन करना, यही हमारी ड्यूटी है। समझा? ओवर एंड आउट। चंपू तुम अंदर जाओ, मैं जरा आता हूं। सॉरी मिस्टर आदित्य देव, तू कितने भी पैंतरेबाजी कर ले, लेकिन हॉल में चंपू के साथ पहरा दूंगा मैं। चंपू, इतनी हसीन रात है, इसमें तुम्हारा ये जो साथ है, यही तो कमाल की बात है। किसकी आई ये लात है? बड़ी खास आज हमारी ये मुलाकात है। वो सब तो ठीक है गुल्ले जी, लेकिन ये कोड़े सिंह जी को क्या हो गया? पूरी रात पहरा देने वाले थे, सो गए, और ऐसा सो गए कि किसी को उठाने से नहीं उठेंगे। अब छोड़ो चंपू, अब मैं क्या कहूं, थक गया होगा बेचारा। मानव, पीले यार, दूध पीले, सारी रात जागना है। थैंक यू। मुझे पता है यार, थोड़ी एसिडिटी एसिडिटी भी हो सकती है रात जागने के लिए, तो मुझे केला भी दे दे। केला वाला सही है। अच्छा, केला और दूध ना, मतलब रात भर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखता है। करेक्ट है यार। कोई नहीं, बाद में खाता हूं। आदि नींद से आ रही यार। यस। यही तो फर्क है चंपू, कथनी और करनी में। कथनी कहती है, करनी करती है। कथनी सो रही है, करनी जाग रही है। वैसे इसे फर्ज वर्ज निभाने में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, ये तो यूं ही दो चार गुंडों को पकड़ के उनके सामने फिल्मी डायलॉग वायलॉग बोल देता है बस, बाकी इसे कुछ आता नहीं है। करता सब कुछ मैं हूं, क्रेडिट ये ले जाता है। फिर भी मैंने कभी ना इस बात का घमंड किया नहीं। छोड़ो यार, बच्चा है, सीख रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। हाउ स्वीट। थैंक यू। वैसे चंपू, कुछ वक्त से तुमसे एक बात कहनी थी, सोच रहा हूँ आज कह दूँ। हाँ हाँ कह दो। वो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? बुरा क्यों मानूंगी मैं, बोलिए ना। चंपू बात ये कि मैं तुमसे मैं
तुमसे मैं कह रहा था चमकू की मुझसे मैं वही कह रहा था कि मैं तुमसे कोई नहीं होता है चमकू हाँ तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे मैं तो क्या है भाई ओ हेलो ओ शोले के ठाकुर इधर आओ क्या चल क्या रहा है भाई चल क्या रहा है ये कोई गार्डन है कोई पार्क है कोई सराय है क्या घूमते ही जा रहे हो अरे सो जाओ ना भाई बाकी के सारे लोग सो रहे हैं आप क्यों नहीं सो रहे हो मुझे लोरी आती तो मैं आपको सुना देता सो जाओ क्यों नहीं सो रहे हो क्यों एक आत्मा की तरह भटक रहे हो क्यों मेरे को वॉक का हैबिट नो वॉक नो नींद अभी मेरा वॉक कंप्लीट मैं सोता चमकू 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 सॉरी ऑफिसर जागो जागो सर क्या हो गया सर थोड़ी सी आग लग गई थी हम रियली सॉरी तो आग लगी हुई है वहां बेडरूम में या हॉल में किचन में टॉयलेट में बाथरूम में कोई नहीं है सब गायब हो गए हैं किडनैप हो गए हैं सर व्हाट यस ये क्या है काजीरंगा के दरवाजे खुल गए क्या मुझे तो पहले से इंट्यूशन था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है देखो हो गया ना हा? हो गया ना पुलिस के नाक के नीचे से मेरा 10 समर्थक गायब हो गया आई एम फिनिश्ड आई एम डन आई एम अ गॉन केस नाउ इल्ला मुड़ जो चमा इल्ला नहीं ये कह रहे हैं कि बहुत अपसेट है पुलिस फोर्स से बहुत डिसअपॉइंटेड है तुम्हारे होटल में कैसे हुआ इतना बड़ा कांड ऑफिसर आदित्य क्या हो रहा है ये मैं अरे मैं अकेला नहीं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा हो गया है पुलिस की जगह ना उछल पा हो गया है अब कौन भरोसा करेगा अपने ऊपर सॉरी सर मैं व्हाट सॉरी तुम्हारी सॉरी कहने से पुलिस की खोई हुई इज्जत वापस आएगी उस बेचारे की साइकिल वापस आएगी क्या सॉरी सर कौन सी साइकिल सर किसकी साइकिल सर ओ चैटर क्या कर रहे हो क्या बोल रहे हो ये साइकिल कहां से आई बीच में हम लोग ये बेचारे गोपुड़ी के वो समर्थक है जो गायब हो गए उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ पर साइकिल कहां से आई अरे इनके समर्थकों की कौन बात कर रहे ला यार ये तो 5 साल में बदल जाते हैं अरे मैं बात कर रहा हूं मामू आप शांत हो जाइए वो साइकिल मिल जाएगी अरे चंदू चिंदी का काम है को बुलाओ उठा कर साले को 3-4 खेत के तो कान के नीचे सब उगल देगा वो साइकिल भी देगा और क्या बोलता हवा भरने का वो कॉम्प्लीमेंट्री पंप भी देगा I'm really sorry, sir. I'm really sorry. बीच में फोन बजा I'm really sorry. हेलो आदि मामू
मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे वेणुगोपाल जी का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब वाकई बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। एग्जैक्टली नहीं नहीं, लेकिन ये कहाँ सीरियस है, इनको सीरियसनेस है ही नहीं किसी के प्रॉब्लम के बारे में। 36 घंटे नहीं हुए अभी तक और इनके 10 समर्थक इन होनहार पुलिस ऑफिसर के नाक के नीचे से कोई गायब कर देता है, लेकिन हमारे साहब क्या करते हैं, ये होनहार पुलिस ऑफिसर सोते रहते हैं। जवाब दो, जवाब दो। सर आपको तो पता है सर कि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ड्यूटी को प्रायोरिटी दी है सर। तो समझ में नहीं आ रहा सर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से मेरी आंख लग गई, वो भी इतनी गहरी आंख लग गई कि मेरे नाक के नीचे से 10 समर्थक किडनैप हो गए। मुझे पता ही नहीं चला सर कैसे। और मामू आंख तो मेरी और गुल्ले जी की भी तो लग गई थी ना, किसी ने हमारे खाने में ऐसा कुछ मिला दिया था मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से हम तीनों गहरी नींद में चले गए और ये जो करने वाला है ना वो किडनैपर के साथ मिला हुआ है।